बारहवीं धारा है किसी व्यक्ति की निजता अर्थात प्राइवेसी, परिवार, घर या पत्र व्यवहार, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी प्राइवेसी में कोई इंट्रूड नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता। मेरे पारिवारिक मामलों में कोई सरकार दखल नहीं दे सकती। मेरे पत्र व्यवहार पर सरकार किसी भी तरीके से एक तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यद्यपि विशिष्ट स्थितियों में संभावित आतंकवादी गतिविधि के मद्देनज़र सरकार ने पुलिस को अधिकार दिया है कि वह फ़ोन आदि को टैप कर सकती है, मोबाइल के जो कॉल्स हैं डिटेल्स उनको टैप कर सकती है, उन पर नज़र रख सकती है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के निजता में, प्राइवेसी में कोई दखल नहीं दे सकता। 13वां अधिकार, हर व्यक्ति को अपने देश की सीमा के अंदर ये स्वतंत्रता है कि वह आना जाना कर सके और देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की इच्छा रख सके। यदि वो कहीं भी बसना चाहे, आना जाना करना चाहे, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है अपनी सीमाओं के अंदर। 14वां, प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर देश के प्रशासन द्वारा सताए जाने पर उसे दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है, दूसरे देश में रहने का अधिकार है। अर्थात विषम परिस्थितियों में किन्हीं कारणों से यदि मुझे देश छोड़ के दूसरे देश में जाके बसने की इच्छा है तो उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अगला, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र की नागरिकता पाने का अधिकार है। एक व्यक्ति के नाते मुझे अधिकार है कि मैं कहाँ रहना चाहूँ, देश के अंदर, देश के बाहर। स्वतंत्रता क्योंकि मेरा अधिकार है, तो इस तरह की स्वतंत्रता भी जिसके तहत मैं किसी अन्य देश का नागरिक बनूं, वह मेरा अधिकार है। 16वां बिंदु, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। हमारे भारतीय संविधान में भी इनमें से कुछ स्वतंत्रताओं, इनमें से कुछ अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों के रूप में इनमें से कई अधिकार शामिल किए गए हैं और संभवतः इन सब की प्रेरणा हजारों वर्षों से जो अधिकारों के लिए जो लड़ाइयां संघर्ष होते रहे वहीं से मिली, और उसी की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्ति के अधिकार की बात की जा रही है, विचारों की बात की जा रही है। वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, जैसा कि मैंने मूल अधिकारों के अध्याय के अध्ययन के दौरान बताया था कि इन अधिकारों की भी अपनी एक सीमा है। सीमा से अर्थ है मेरे द्वारा जब मैं अधिकारों का उपयोग कर रहा हूँ तो मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरे द्वारा अधिकारों का उपयोग किए जाने की स्थिति में किसी दूसरे के अधिकार पर तो मैं हनन नहीं कर रहा हूँ। वही बात यहाँ भी लागू होती है, इन सब अधिकारों की एक अपनी सीमा है। जैसे दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार तो है, लेकिन यदि आपराधिक गतिविधि करके मैं शरण लेने जाता हूँ तो वह गैर नाजायज है, गैर कानूनी है। मुझे दूसरे देश की नागरिकता लेने का अधिकार है, लेकिन यदि मैं देश से भगोड़ा घोषित किया गया हूँ किसी अपराध की पृष्ठभूमि में, तो दूसरे देश को नागरिकता देने से मैं ना देने का अनुरोध कर सकता हूँ। उस देश की सरकार दूसरे देश को अनुरोध कर सकती है नागरिकता ना देने का। उसी प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल जाऊँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जितना दुरुपयोग हमारे सोशल मीडिया में, टीवी के चैनल्स में और अन्य जगहों पर होता है, उस पर जितना कम बोला जाए उतना उचित है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से हम बहुत अनर्गल बातें कर जाते हैं, अफवाहों को जन्म दे देते हैं जो बाद में बहुत हिंसात्मक रूप ले लेती हैं। तो यदि हमारे किसी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी तरह का हमने दुरुपयोग किया है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। पर यदि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत मानवाधिकारों की बात करूं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जायज़ बातों को, हर चीज़ों को जायज़ सीमा तक करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसके ये अर्थ हैं। 17वां अधिकार, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण रूप से सभा करने का, समिति बनाने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है। भारत में भी ये स्वतंत्रता दी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, उसके तहत भी हमें ये अधिकार है कि हम अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं सभा करनी चाहें तो कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा, याद रखेंगे, सभा करना है तो उसकी अनुमति हमको अवश्य मिलती है, बशर्ते हम सरकार को यह सुनिश्चित गारंटी दें कि ये सभा शांतिपूर्ण हो। लेकिन अशांति होने की शंका में सरकार हमें संभवतः कई बार सभा करने की अनुमति नहीं देती, लेकिन उसका आभार होना चाहिए। 18वां अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है। अर्थात देश की राजनीतिक व्यवस्था में बने रहने का अधिकार वहां के नागरिक को है। प्रत्यक्ष रूप से वह राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा है, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेंट बन सकता है और बनता है। संसद में अपने प्रतिनिधि भेजकर एक भारतीय नागरिक अपनी ही आवाज तो वहां भेजता है, अपनी ही अपेक्षाओं को तो वहां तक पहुंचाता है, जिस पर सरकार को ध्यान देना आवश्यक है। अगला अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। ये जो अधिकारों का अब हम जिक्र कर रहे हैं वे अधिकार इस श्रेणी में आते हैं। अभी तक जो हमने 18 अधिकारों का जिक्र किया वे राजनीतिक प्रवृत्ति के थे, स्वतंत्रता से उनका संबंध था। अब जो अधिकारों का जिक्र कर रहे हैं वे अधिकार दूसरी श्रेणी में आते हैं, अर्थात उनका संबंध सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से है। इनके तहत पहला जो अधिकार है, जिसे हम 19वां अधिकार कह सकते हैं, वह है कि स्त्री पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावट के आपस में विवाह करने का अधिकार है, किसी भी तरह का बंधन विवाह के मामले में नहीं। 20वां, हर व्यक्ति को अकेले और दूसरे के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हर एक को, भारत में भी संपत्ति का अधिकार है। मूल अधिकारों से उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार का जामा दिया गया है, लेकिन अधिकार तो है। 21वां अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार, अपनी अंतरात्मा और अपने धर्म की आज़ादी है, अपने तरीके से सोचने की, किसी भी धर्म का पालन करने की और अपने अंतरात्मा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता है। उसे कोई किसी खास धर्म को अपनाने के लिए, किसी खास विचारधारा को अपनाने के लिए या अंतरात्मा की आवाज़ के खिलाफ जाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई विवश नहीं कर सकता। 22वां अधिकार, समाज के एक सदस्य के रूप में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, सोशल सिक्योरिटी का अधिकार है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वह समाज का हिस्सा होता है
और समाज क्या है, व्यक्तियों का झुंड ही तो है। तो व्यक्तियों के झुंड के होने के नाते हर व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है। 23वां अधिकार, हर व्यक्ति को काम करना, इच्छानुसार रोजगार का चुनाव, काम की उचित या सुविधाजनक परिस्थितियों का आकलन और उसे पाने, और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है। अर्थात हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह कौन सा जॉब करे, किस प्रकृति का काम करे, काम करे या ना करे, और काम की परिस्थितियां कैसी हों, इसे चुनने का अधिकार है। उसे जैसी स्थितियों में काम करना अच्छा लगता है वह उसका चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें एक बिंदु जो जोड़ा गया है, बेकारी से संरक्षण, इसका जिक्र मैंने कुछ समय पूर्व किया। बेकारी से संरक्षण का अर्थ है, यदि मैं बेरोजगार हूँ और सामाजिक स्थितियों में मुझे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उचित रोजगार मेरी क्षमता कौशल और उसके अनुसार मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे संरक्षण दिया जाए ताकि मैं एक अपना जीवन यापन एक मानव के रूप में कर पाऊँ। इसी के मद्देनज़र कुछ देशों में रोजगार भत्ता दिया जाता है उन बेरोजगारों को, जिन्हें उनकी क्षमता के अनुसार सरकार रोजगार दे पाने में असमर्थ है। और ये भत्ता तब तक दिया जाता है कि जब तक उन्हें रोजगार न मिल जाए। तो इसलिए बेकारी से संरक्षण का हक एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है उन देशों में, भारत में नहीं है। और इसका कारण भी है, भारत बहुत बहुत विशाल देश है, सभी को सरकार के द्वारा रोजगार दिया जाना संभव नहीं है। इसीलिए स्वरोजगार की कल्पना को यहाँ विकसित किया जा रहा है, स्वयं हम अपना रोजगार प्रारंभ करें। 24वीं धारा, हर व्यक्ति को विश्राम का अधिकार है, हर व्यक्ति को अवकाश का अधिकार है। हमें छुट्टी लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित सीमा तय की गई है और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियों का भी प्रावधान है। ऐसी छुट्टियां जिसमें आप यदि कार्यालय नहीं जाते हैं या कार्य नहीं करते हैं तो भी आपको तनख्वाह मिलती है, इसका अधिकार है। पूर्व में छुट्टी लेने का अर्थ होता था उस दिन की तनख्वाह न मिलना, लेकिन वर्तमान विश्व में आधिकारिक स्तर पर हमें कुछ दिन ऐसे मिलते हैं जिस दिन न जाने पर भी हमें अपनी तनख्वाह पूर्ण रूप से मिलती है। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और ऐसी सीमाओं का, घंटों की सीमा तय करना, एक व्यक्ति कितने घंटे उचित तरीके से कार्य कर सकता है, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे। 200 वर्ष पूर्व के विश्व की कल्पना करिए, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ 15-15, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था, ये अमानवीय था और तनख्वाह कम होती थी। उसके साथ ही काम करने की परिस्थितियां भी बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। धीरे धीरे इन सब का विरोध होने लगा, परिस्थितियों का, कम तनख्वाह का, बढ़े हुए घंटों का। समाजवादी आंदोलन ने भी अपना जोर दिखाया और धीरे धीरे इन सब स्थितियों में सुधार हुआ। और आज इसी सुधार का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में ये प्रावधान किया गया है कि घंटे सीमित हों, उचित हों, उचित हदबंदी की जाए और मजदूरों को, सभी को अवकाश मिले और उसके साथ उसकी तनख्वाह भी मिले। धारा 25 क्या है? हर व्यक्ति को ऐसा जीवन स्तर पाने का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य, उसके परिवार के कल्याण और उसके स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए लाभकारी हो, पर्याप्त हो।
ये हो गया 19 से 25 धाराएं जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार के बारे में बताती हैं। अब तीसरा जो वर्ग है वह है शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकार। शिक्षा संबंधी, कल्चरल संबंधी अधिकार क्या हैं, जिसका जिक्र उस घोषणा पत्र में है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एलियनोर रूजवेल्ट ने प्रस्तुत किया था। 26वीं धारा, लेकिन पहली धारा शैक्षिक श्रेणी में हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा किसी खास वर्ग की नहीं हो सकती, शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। या 27वां घोषणा पत्र का 27वां जो बिंदु है वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का, कलाओं का आनंद लेने का, वैवाहिक उन्नति का और संबंधित सुविधाओं में भाग लेने का हक है। इसके मायने क्या कि मानव पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, वह क्या सीखना चाहता है, कला के क्षेत्र में वह अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ सकता है, सांस्कृतिक जीवन में उसके पास जो स्वतंत्रता है कि वह कितना, किस हद तक और किस में भाग ले, ऐसे ही वैवाहिक जीवन में भी उसे पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता है अपने विकास की, अपने परिवार के विकास की। 28वां अधिकार, हर व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पाने का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जाए। अर्थात जो अधिकारों का अभी तक हमने अध्ययन किया है, उन अधिकारों की प्राप्ति में यदि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कुछ सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र। 29वां अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य है। अभी तक अधिकारों की बात हुई, 28 अधिकारों की बात हो गई। अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सुनिश्चित करें कि हम दूसरों के अधिकार में खलल तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ 29वां जो अधिकार है वह कर्तव्य से संबंधित है और वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। 30वां है इस घोषणा पत्र में दिए गए किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाए जाएं जिससे किसी राज्य समूह, किसी व्यक्ति को ऐसे काम में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में उल्लेख ना हो। और इस प्रकार एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र दृष्टि से पूर्ण घोषणा पत्र तैयार होता है और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा तो नहीं पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र का दरवाजा का दर्जा दिया जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आखिर इस घोषणा पत्र का महत्व क्या था? 30 धाराओं से जुड़ी हुई इस घोषणा पत्र की महत्ता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? हमने एक एक धारा को यहाँ पढ़ा, इसके पीछे क्या कारण है? मानव अधिकार घोषणा पत्र की जरूरत और उसके महत्व। मानव अधिकार का ये जो घोषणा पत्र है इसे मानवतावाद का दमकल कहा गया है। मानव अधिकार घोष आयोग जो बना था संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, उसकी जो अध्यक्षा थी श्रीमती एलियनोर रूजवेल्ट, उन्होंने इस घोषणा पत्र को समस्त मानव समाज के लिए मैग्ना कार्टा कहा था
पामर और पार्किंसन क्या कहते हैं। पामर और पार्किंसन ने कहा है यह घोषणा पत्र आदर्शों का प्रतिपादन है, यह घोषणा पत्र कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो इस प्रकार इसको स्वीकृति एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में मिली, एक आधिकारिक घोषणा पत्र के रूप में मिलती है मानव अधिकारों के संबंध में। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा जो होती है 1948 में, उसके ठीक 20 वर्ष बाद अर्थात 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रेरणा ली गई और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विभिन्न मुद्दों पर कार्य और घोषणा के साथ साथ इन्हें क्रियान्वित करने के लिए समितियां बनाता है। 1948 में घोषणा विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारों के बारे में बात हुई, लोगों के द्वारा इसका स्वागत हुआ, लेकिन इसे कोई कानूनी बंधन बाध्यता नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये कि ये दस्तावेज मात्र एक दस्तावेज के रूप में रह गया, और इसको मात्र दस्तावेज के रूप में रहने से बचाने के लिए 20 वर्ष बाद इस पर एक एक्शन प्रोग्राम होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न समितियां बनाता है इन अधिकारों की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए, इनके क्रियान्वयन को देखने के लिए, घोषणा के मुद्दों के बिंदुओं को और ज़्यादा प्रचारित करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए समितियों का गठन 1968 में। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई और मानक तैयार करता है, कुछ स्टैंडर्ड तैयार करता है, कुछ नियम तैयार करता है। सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों से प्रेरित होकर कई क्षेत्रीय समझौते होते हैं। रीजनल लेवल पर विभिन्न राष्ट्र मिलकर मानवाधिकार घोषणा पत्र के की पृष्ठभूमि में विचार विनिमय करते हैं। मानव अधिकार से जुड़े हुए गहन अध्ययन के बाद अब हम ये समझने में बेहतर स्थिति में हैं कि मानव अधिकार का अपरंपरागत सुरक्षा से क्या संबंध है, और अपरंपरागत सुरक्षा और परंपरागत सुरक्षा का ताल्लुक सुरक्षा से कैसे है। मानव अधिकार जो 30 अधिकारों का जिक्र मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में किया, उसमें विचारकों का बयान था कि एक आदर्श है। हमें यह देखना है कि क्या ये वास्तव में आदर्श हैं या देश इसके पालन के लिए बाध्य हैं, क्या ये लॉफ्टी आइडियल्स ही रह गए हैं, या देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, सत्ता के द्वारा इनका पालन अनुपालन एक बंधन है। अर्थात मानव अधिकारों के संदर्भ में यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है, मानव अधिकार किस हद तक यथार्थ पर हैं, धरातल पर हैं, कानूनी जामा दिया गया है, किस हद तक राज्य बाध्य हैं इनको, इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरे शब्दों में वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्चुअल पोजीशन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्चुअल पोजीशन का हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। घोषणा पत्र श्रीमती रूजवेल्ट वाला जो होता है वो समस्त मानव जाति के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। पामर पार्किंसन ने इसे यथार्थता को अपने शब्दों में आदर्श या आदर्शों का प्रतिपादन कहा, एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज कहा। यह आश्चर्य की बात है कि आज भी इतने प्रयास के बाद भी मानव अधिकारों की स्थिति खराब है।
खराब ही नहीं भयावह है। मनुष्य का सबसे मूल अधिकार जो होता है जीने का अधिकार, जीने के अधिकार को विश्व में बहुत जगह छीन लिया गया है। विश्व में मानवाधिकारों के हनन ने लोगों को जीने का अधिकार उससे वंचित कर दिया है। यूं तो मानवता की दुहाई देकर लोगों के मूल अधिकारों की बात दुनिया भर की सरकारें करती हैं, आदर्श बात सभी लोग करते हैं और सरकार भी इससे दूर नहीं, लेकिन अधिकांश सरकारें इस क्षेत्र में अपनी दोगली नीति अपना रही है। दोगली नीति के कारण असफल हैं, और असफल की बात ही नहीं, बहुत से राष्ट्र इस दिशा में प्रयासरत ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन की भी बात करें तो इस क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि विश्व में जो मानव अधिकारों के हनन या की जो बात है उसके पीछे सच्चाई ये है कि बहुत से देश मानव अधिकारों को मात्र आदर्श के रूप में ही अच्छा मानते हैं, धरातल पर बहुत दूर हैं। दूसरी बात, अमेरिका और ब्रिटेन जिन्होंने मानव अधिकारों के नाम पर बहुत काम किया है, वे स्वयं जब इन अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो नैतिक रूप से इनकी आवाज़ को, इनके दबाव को दूसरे देश नहीं मानते। ये देश स्वयं भी ठोस सफलता हासिल नहीं कर पाए मानव अधिकारों के क्षेत्र में। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शोषण किया है, उसके 300 वर्षों का इतिहास बताता है। उसके स्वयं के देश के अंदर की जो औद्योगिक क्रांति के इतिहास की ओर झांके तो वह मानव अधिकारों के हनन से भरा हुआ है के उदाहरणों से, और बाद में भी ये क्रम बहुत चलता रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव पर दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी। अमेरिका ने उपनिवेशवाद की जो नीति अपनाई, नव उपनिवेशवाद, उसमें मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन किया, क्योंकि उपनिवेशवाद की नीति, साम्राज्यवाद की नीति तभी पनप सकती है जब हम समाज के बहुत बड़े तबके को दबा कर कुचल कर रखें। तो ये असीमित शोषण करने वाले देश, मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन करने वाले देश किस मुंह से अन्य देशों पर मानव अधिकारों को लेकर कारगर कार्रवाई करने के लिए दबाव बना सकते हैं। रही साम्यवादी देशों की बात, जिसका नेतृत्व सोवियत खेमा कर रहा था, वहां तो इसकी स्थिति और बदतर है। साम्यवादी देशों में मानवाधिकार का हनन समाजवादी व्यवस्था की दुहाई के बाद भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि अधिकतर साम्यवादी देश तानाशाही व्यवस्था पर आधारित थे, और तानाशाही व्यवस्था में जो सर्वहारा वर्ग होता है उसकी स्थिति बहुत बेकार हो जाती है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इनके अधिकतर देशों में तानाशाही शासन है, और या लोकतंत्र के नाम पर तानाशाह वहां शासन कर रहे हैं। वहां की सरकारें मानव अधिकार की अपेक्षा, मानव अधिकार की उपेक्षा बहुत करती हैं। इन देशों से ये अपेक्षा करना कि ये मानव अधिकार का पालन कर रहे होंगे, मानव के विकास को मानव अधिकारों से जोड़ रहे होंगे, ये व्यर्थ है ऐसा सोचना। एशिया के दूसरे जो देश हैं बहुत से, जिसमें हम पाकिस्तान को ले लें, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, इनमें मानव अधिकारियों की तो सरेआम हत्या की जा रही है। संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें नागरिकों को घोषणा पत्र में दिए गए सब अधिकार दिए गए हों। बहुत कम अधिकार दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं
वास्तव में वे कागज में हैं। जो देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, वहां भी ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं। 1990 के दशक की बात करें तो कुछ घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं। रवांडा अफ्रीका का एक देश, वहां का जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला, पूर्वी तिमूर में इंडोनेशियाई सेना के द्वारा रक्तपात, अमेरिका द्वारा वियतनाम में हमला और उसके बाद की वहां की स्थिति, इन सब के मद्देनजर ये बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं। अर्थात किसी देश की सत्ता द्वारा यदि मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ उसके लिए सक्षम है कि उस देश पर वह कार्रवाई करे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। अर्थात संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र के आधार पे उन देशों पर कार्रवाई की जा सकती है अन्य देशों द्वारा जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और कार्रवाई का अर्थ है सैन्य आक्रमण भी, सैन्य कार्रवाई भी। एक ओर ये नज़रिया है कुछ लोगों का, तो दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि संभव है कि ताकतवर देश अपने देश के हितों के आधार पर निर्धारित करेंगे कि मानवाधिकार का उल्लंघन किस मामले में किसी देश में हो रहा है और उस पर कार्रवाई करें या ना करें। अर्थात ताकतवर देशों द्वारा मानवाधिकार के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग किया जा सकता है, और वे लोग तय करेंगे कि इनमें से कौन सा मामला मानवाधिकार के उल्लंघन के क्षेत्र में आता है और कौन सा नहीं। और ऐसा करते हुए पूरी संभावना है कि वे पक्षपात करेंगे, राजनीति करेंगे, दोगली नीति अपनाएंगे और अपनी ताकत का दुरुपयोग करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुई, इसका जो कार्य क्षेत्र है इसको हम थोड़े जानने की कोशिश करें। समय के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार का जो कार्य क्षेत्र है वो देखा जा रहा है कि बढ़ने के स्थान पर घटता ही चला गया। ये एक बड़ा एक विडंबना है। जहां मानवाधिकार के हनन के आरोप बढ़ते जा रहे हैं, वहीं मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र का दायरा सीमित होते जा रहा है। कुल मिलाकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आयोग है वह अपने उद्देश्य को पाने में असफल रहा है। आज पूरी दुनिया में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन आयोग केवल रिपोर्ट प्रकाशित करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। और वह रिपोर्ट भी जब प्रकाशित होती है तो उसमें देखा जाता है कि बड़ी ताकतों के विचारों का दबाव है, बड़ी ताकतों का दबाव है, और रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण नज़र आती है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार आयोग और कुछ नहीं कर पाया। आयोग तो सही रिपोर्ट और सही बात को कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। अर्थात कुल मिलाकर आयोग एक ऐसा मंच है जिसके अपने स्वयं के दांत नहीं हैं, जिसके आधार पर वो सख्त कार्रवाई कर सके। एक दूसरी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी एक विश्व स्तरीय संस्था है, एक निजी संस्था कहना चाहिए, जो विभिन्न देशों में मानवाधिकार के संबंध में कार्य कर रही है। और निजी संस्था का अर्थ है नॉन गवर्नमेंट, सरकारी नहीं है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है मानव अधिकारों
उसके संबंध में कार्य करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल समय समय पर रिपोर्ट जारी करती है जिसमें वो वस्तु स्थिति से दुनिया को अवगत कराती है। 1982 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसमें उसने कहा था कि 120 देशों में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। संख्या कितनी? 120। अर्थात 194 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उनमें से 2/3 देश मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। लंदन में जारी 1995 की रिपोर्ट, उसमें 150 देशों में मानवाधिकार की स्थिति की समीक्षा की गई और इसमें उग्रवादी संगठनों के साथ साथ राज्य के सरकारी दमन तंत्र को भी जोड़ दिया गया। इस रिपोर्ट में भारत के मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की गई किंतु अमेरिका में मानवाधिकारों के हनन को लेकर चिंता जताई गई। एमनेस्टी की रिपोर्ट ये बात साफ करती है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले देश ये स्वयं ही मानवाधिकारों का उल्लंघन करते आ रहे हैं और चूंकि वे लोग उल्लंघन कर रहे हैं जो ताकतवर हैं, निश्चित रूप से अन्य देश उनकी परवाह नहीं करते मानवाधिकार के मामले में, जो जायज भी है। विश्व में मानवाधिकार को लेकर जो जागरूकता आती रही, खासकर 20वीं शताब्दी में, उसकी जो परिणति हुई वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के रूप में हुई, घोषणा पत्र के रूप में हुई, क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई के रूप में हुई और एक और बहुत अहम बात हुई, वह थी प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाने का एक प्रावधान किया गया। एक ओर जहां हम हर वर्ष मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं, वहीं मानव के अधिकारों पर खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बारूद के ढेर में जो बैठी है मानव जाति, जिसका जिक्र मैं पूर्व में करते आया हूं, वो अपने अधिकारों के अस्तित्व को भी मिटते हुए देख रही है। एक ओर जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी खतरनाक हैं हथियारों के मद्देनजर, दूसरी ओर उसके स्वयं के जीवन को खतरा दूसरे रूप में भी है जहां वह उन्मुक्त तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है। आज सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस बात की है कि दुनिया के सभी देश मिले और इस बात का संकल्प करें कि हमें मानव समूह को बचाना है और तभी जितने भी मानव अधिकार आंदोलन हुए, प्रयास हुए, संस्थाएं बनी, घोषणाएं हुई, उनका कुछ सार्थक अंत नजर आएगा, अन्यथा हर दृष्टि से मानव जो है वह बड़ी विषम परिस्थिति में पहुंच चुका है।